नमस्ते दोस्तों, उषा आकाशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, नेहा दीदी ने 5,000 रुपये दिए हैं और दोस्तों किस परिवार के लिए दिए हैं, मैंने क्या क्या खरीदा है, सब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम होगा। तो देखिए, मैं यहाँ खेत में आई हूँ परिवार लोग से मिलने, और यहाँ पर हमने ढेर सारा जो सामान लिया है वो भी रखा हुआ है, तो सामान के यहीं रख देते हैं, पहले चलते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इसी परिवार के लिए हम आई हूँ, ये बेबी इनका नाम है दोस्तों, और ये खेत में ही रहती हैं इसलिए मैं खेत में आई हूँ। और बेबी कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? खुश रहो। दीदी नमस्ते। खाना वाना खाए हैं? अब बेबी ठीक है? हाँ ठीक है। तो हाथ में कैसे सूजन भाई कहती है? यहाँ पे फोड़ा हो गया बाबा है कि दवाई ववाई लगावा है कि पानी में चुरा के धो के उनका लगा दे, ऐसे 4-6 दिन तक तो सुखा जाए, घाव हो गया बाबा। तो दोस्तों, आप लोगों से बता दो कि बेबी का आप लोगों ने ढेर सारा मदद किया था दोस्तों, इनका खेत भी छुड़वा हुआ था और 35,000 रुपये कैश भी दिया हुआ था। तो आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इनका परिवार दोस्तों बहुत खुश है क्योंकि बेबी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो नेहा ने 5,000 रुपये दिए हैं, इनके लिए ढेर सारा मैं सामान लाई हूँ बेबी के लिए। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, जब मुझे देखी जब से तब से हंस रही है, खुश है एकदम। और ऐसे यहाँ पे आंसू वसू लगा, मतलब रो ही रहे इनका? हाँ रोवत रहे। काहे? इनका ऐसे मन में आ जाए तो खुशी रहे, मन में आए तो ऐसे रोए लगे हैं। तो दीदी कुछ बताती ना ही काहे इतना रोते हैं? बताते ना भैया जी है, बताते तब का रहा, जब बताते तब तो दुख हो जाने थी, यह चीज इनका पिरात है, यह चीज ऐसे बा काहे रो तू बेटा, बताओ नहीं करते हम का इनका समझी का पिरात का ना है, अपने उठा से जवन समझ में आवत तो हम करत है ये के कुछ बताओ नहीं करते, जब बतावे तब ना हम जाने की है इनका पिरात है, यह का बा है का ना है, कैसे हम का करी। दवाइया भी दिक्कत है, दवाइया का स्टार्ट कराए नहीं दवाइया, अब देख उनके बाप की तबीयत खराब हो गया, अब उनका तबीयत सही हो तब फिर लिया कि तब जाए दिखाए। तो मैं आपके पैसा दे रहे थे बेबी के लिए, कुछ ले हुए रहे? हाँ उनका लेवान रहा है कि जौन खाए पिए एक सामान बाहे जौन बाहे के स्वेटर उटर का हाथ उनका ठंडी पड़े लगे और तब ले भाई, और जौन के खाए के लालच रहा था हमका जौन खाए पिए तो उनसे वो मंगा खिजाए रहे, और जौन कर खाए के हमका जौन इनका मन कहे जौन कर इच्छा कहे तो उनके लेके खियाऊ पियाऊ। हाँ हाँ यही जरूरी बात, हाँ। खान पीन जरूरी बात, उनके खियाऊ पियाऊ जो कहीं से नहीं अपन लेके मांगते ना, ये ना भैया अपने मन से जौन हम लेके खियाऊ तब खाई ही, अपने मन से कुछ कहबे न करे हमें ये चीज लेके खियावा वो चीज लिया लेके खिया कुछ बताई ही है ये ना, अपने मन से जौन हम लेके खियाऊ वो है खाई। दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों को बताया, आप लोग उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और मैंने बताया था दोस्तों कि बेबी कुछ भी मतलब अपने मन से नहीं मांगती, ना खाना ना कपड़ा ना कुछ भी नहीं, जो मुझे इसे पूछा जाता है बस वही अगर देंगे तो खा लेगी, बहुत संतोषी है, बहुत संतोष कर कर है, जो उनका कोई तकलीफ़ होता है तो रोती है, और कुछ तकलीफ नहीं मालूम हो दिखाई पड़ता इनको तो सही से रहती हैं। बेबी तो क्या ढेर सारा सामान लिया है, कपड़ा दे रहे पहरे रहो ना आए पहरे रहो अच्छा रहा, और जो खाए वाला सामान दे रहे खा रहे हो, तो बिस्तर उस्तर लिया है और खाए पिए का सामान लिया है, तो चली घरे वहाँ पे कहीं ले चलो घरे घरे। तो दोस्तों बेबी कह रही है चलिए घर, तो इन्हीं के हिसाब से दोस्तों हम चल रहे हैं घर पे, कह रहे हैं यहाँ पे हम नहीं खाएंगे चलेंगे घर पे खाएंगे, तो चलिए हम लोग घर चल रहे हैं घर पे। चलो दीदी दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर पे, चल चप्पल तो घर पे हम आ गए हैं दोस्तों, जो सामान हम जो है निकाल देते हैं। तो साबुन सोडा और ये सब है दोस्तों, शैम्पू ब्रश मंजन, तो दोस्तों यही सब सामान हमने लाया हुआ है।
बेबी जो दोस्तों हमने उस बार पूछा हुआ था क्या पसंद है, तो जो लोग पसंद आने तो वही दोस्तों इनको पसंद है, देखती रहती हैं, तो वही सब हमने लाई हुई हूँ। और दोस्तों उस बार हमने देखा हुआ था इनकी बिस्तर पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने दो ये एक ठंडी वाला दोस्तों लिया हुआ है रजाई, इसे कम्बल कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों अच्छा वाला हमने लिया हुआ है बेबी के लिए। दोस्तों इनके ठंडी के लिए कुछ भी नहीं था, सब लोग बता रहे थे कि एकदम सुकड़ी रहती हैं। और सूटर हमने नहीं लिया दोस्तों, कई जगह पे हमने पता लगाया, अभी तक हमारे घर दुकान पे नहीं आया हुआ है। तो मैं बेबी कह भी रही थी कि अपनी मम्मी से सूटर के लिए, तो सूटर मैं ज़रूर लूँगी उनके लिए। ये देखिए मैंने ये भी मतलब जो बिछाने वाला होता है दोस्तों, ये भी हमने ये वाला ले लिया है और ये ओढ़ने वाला ले लिया है। चलिए इनके बिस्तर पे हम लगा देते हैं। ये भी ठीक है, तोरे लिए लिया है ये, एक के दीदी उन्होंने आपको तोरे लिए भेजे हैं, या कैमरा मैन देखा था इन आपके ना, तो तोरे बिस्तर पर लगा दी चल। दोस्तों यही देखिए, यही पतला सा ऊनी है, यही ओढ़ती हैं और ये कथा है। तो मैंने दोस्तों यही बहुत, नेहा ने कुछ भी नहीं कहा था क्या लेने का, अपने मन में मन से ये सब ले लिया है। दोस्तों ठंडी आ रही है, जरूरत की बहुत जरूरी होता है ठंडी के लिए। मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जब साफ सफाई रहेगा। दोस्तों आप लोग हमसे बताया कि नेहा थोड़ा सा गंदा कर देती है, नहीं बता पाती, सही है बेटा खुशू यहीं पर हो ना। तो दोस्तों देखिए नेहा कितना खुश है, बार बार हाथ जोड़ रही है मुझसे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यही सब सामान लिया हुआ है। तो बेबी दोस्तों गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उस बार भी गुड़ लाई थी और इस बार भी गुड़ खाकर पानी पीऊंगी। तो दोस्तों नेहा दीदी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो एकदम खुश रहे और बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, जो बेबी का मदद करके, क्योंकि दोस्तों बेबी कुछ भी नहीं मांगती किसी से, जो भी देता है, जो भी मतलब किसी को भी कुछ देना होता है तो अपने मन से ही देता है, तो वही लेती है, कुछ मांगती नहीं। तो बिना मांगे दोस्तों मैंने मैं समझ रही थी कुछ मांगे कि नहीं, इसलिए मैंने सारा उनके पैसे से सामान ही ले लिया है। तो 1000 रुपये उनका बचा हुआ है, तो मैं दोस्तों मैंने इनको देने वाली थी, तो मैं अब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सूटर और ठंड साल सूटर ये चप्पल ऊपर मैं ठंडी के लिए आज मैं नहीं ले पाई, क्योंकि सब दुकान में नहीं था, इसमें ठंडी अभी नहीं आई हुई है। तो वही से मैं लोग लेकर मैं इनके घर पहुँचा दूँगी बेबी, तो आपके लिए सूटर साल चप्पल ये सब मोजा सब कुछ हम पहुँचा दें ना, ठीक बा कि आप खरीदवा लेंगे मम्मी से कि हम खरीद दें ना। तो दोस्तों मैं ही खरीद कर, क्योंकि मैं अपने हाथों से दोस्तों इनके लिए कुछ खरीदती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं खरीद के पहुँचवा दूँगी इनके लिए। ठंडी आने वाली इनके पास सूटर है बेटा, आपके पास सूटर था बेटा आपके पास? हाँ तो दोस्तों नेहा करी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुश है इसे देखकर। और कथरी उथरी कर रही, मैं बहुत फटा रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आज बहुत ज़्यादा ये देखकर बोलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी तो नेहा दीदी को थोड़ा सा आप आशीर्वाद दे दें, देखो हमें मदद करा था भैया, उनका बाल बच्चा सब खुशी रहा है कि हमें हमारी बिटिया बहुत खुशी रहे, कपड़ा ओढ़ना दे के हर चीज़ सामान दे के खुशी है, नहीं कि भैया उनका सब बाल बच्चा सब खुशी से रहा जाए, हमें बहुत खुशहाली बात है कि बिटिया हमारा खुशी रहा है। बेबी नमस्ते बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। तो नेहा दीदी आपको नमस्ते बोल रही हैं बेबी। वैसे दोस्तों किसी का मतलब
हम बात जल्दी समझ नहीं पाती, मेरे पर मैं सब लोग कहते हैं कि जब तू आप आ जाती हैं तो जो भी कहती हैं वो बराबर सुनती रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों उस समय खुश रहती हैं जो मैं आ जाती हूँ सामान लेकर। तो दोस्तों यही 1000 रुपये बेबी का बचा हुआ था, मैंने सूटर खरीदे थे दोस्तों, अब लोग बताया कि वो मिला नहीं, तो मैं अपने पास रख रही हूँ दोस्तों, 2-3 दिन में इनको खरीद कर पहुँचवा दूँगी, दूसरे मार्केट से मंगवाऊँगी। दीदी पैसा रख लेते हैं आपके ठंडी वाला सामान लिया कुछ है दीदी। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपने घर, नेहा दीदी को फिर से दिल से धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस दीदी को हेल्प करके दोस्तों। दीदी चलते हैं, नमस्ते, चलते बेटा फिर आओ ना, तो क्या सूटर लेके आओ और साल चप्पल जूता सब। तो दोस्तों ठंडी का कपड़ा हमने बेबी के लिए खरीद लिया, चलिए आप लोग दिखा देते हैं, हमने दो दो सीट हमने खरीद लिया था दोस्तों, क्योंकि ये ठंडी वाला कपड़ा जो है एक दिन में नहीं सूख पाता। तो ये देखिए दो ठे हमने स्वेटर खरीदा हुआ है। तो बेबी की मम्मी कह रही थी कि उसे बटन वाला स्वेटर खरीदिएगा, जैसे कि अपने आप से नहीं निकाल पाती, उनकी मम्मी निकालती है, तो बटन वाला रहेगा तो अपने आप से मम्मी उनकी निकाल लेगी आराम से। और हमने एक साल ये खरीदा हुआ है और मफलर। तो दोस्तों मैंने उनकी मम्मी से पूछा हुआ था कि ठंडी में क्या चीज़ पहनती हैं, कहीं स्वेटर और साल वही ओढ़ती हैं और कान भी बांधती हैं, तो मैंने कान बांधने के लिए भी खरीद दिया है, 2 साल 2 स्वेटर। तो मैं जल्द ही उनके घर पहुंचवा दूंगी, कल ही, आज नहीं पहुंच पाएगा।